हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ लाइब्रेरी यूनिक पोएट्री। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कड़कनाथ और देसी मुर्गे के बारे में, कौन सा मुर्गा पालने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा और कौन सा मुर्गा पालना सही होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कड़कनाथ मुर्गे की। कड़कनाथ का आप कम मुर्गा पाल के ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, 100 मुर्गा पालने में कितना खर्चा आता है, कितना प्रॉफिट होता है, फुल डिटेल में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं और जान सकते हैं एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट होता है। वहीं हम बात करते हैं देसी मुर्गे की। देसी का मुर्गा आपको पालना है तो ज़्यादा मुर्गा पालें। कड़कनाथ आप 100 पाल रहे हैं तो उसकी जगह आप देसी मुर्गा 200 पाल करके उतना ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। देसी मुर्गा आप जो है मीट के पर्पज़ से भी पाल सकते हैं, अंडे के प्रोडक्शन लेने के लिए भी पाल सकते हैं। देसी मुर्गे के जो अंडे की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है और वहीं जो है मीट की डिमांड थोड़ी कम है। देसी मुर्गा और कड़कनाथ मुर्गा दोनों ही की जो है इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको पालने में। आप इसको जो है 10 से 15 दिन पहले शुरुआत में प्री स्टार्टर और स्टार्टर खिला दीजिए, उसके बाद आप जो है फ्री रेंज में भी शुरू कर सकते हैं। आप इसको घर का बच्चा कुचा खिलाएं और जो है मार्केट से फ्री कम पैसों में सब्जी ला करके वो भी खिला सकते हैं। और इसको खुला छोड़ दीजिए बाहर चरने के लिए, ये अपना खाना खुद ही ढूंढ लेगा, जिससे आपको जो है दाने की लागत थोड़ी कम हो जाएगी, कम पैसों में तैयार हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो हम बात करते हैं जो है इसका मार्केट वैल्यू क्या होगी। कड़कनाथ का रेट मार्केट में लमसम 400 से 800 रुपए किलो जो है खड़ा बिक जाता है, और वहीं देसी का मुर्गा जो है 200 से लेके 400 रुपए के बीच में बिक जाता है। कड़कनाथ का मुर्गा ज़्यादा महंगा बिकता है, देसी का थोड़ा कम बिकता है कड़कनाथ के मुकाबले में। कड़कनाथ की कोई मार्केट नहीं बनी हुई है, इसकी मार्केट आपको खुद बनानी होगी, और वहीं देसी की मार्केट है, आपको बेचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देसी का मुर्गा देसी में थोड़ा कम प्रॉफिट है, कड़कनाथ में थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट है। अब आप आपकी मर्ज़ी पे है, आप देसी पालें कि कड़कनाथ पालें। अगर आप कड़कनाथ मुर्गा जो है अंडे के प्रोडक्शन के लिए पालना चाह रहे हैं तो मेरी सलाह है आप अंडे प्रोडक्शन के लिए कड़कनाथ मत पालें, क्योंकि कड़कनाथ की जो मुर्गी होती है वो साल में 100 ही अंडे देती है। इनका जो है अंडे का प्रोडक्शन थोड़ा कम है, इसीलिए मेरी सलाह है आप अंडे के लिए कड़कनाथ मत पालें, मीट पर्पज़ के लिए कड़कनाथ पालें। बहुत अच्छा मुर्गा है, अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा आपको, देसी से अच्छा प्रॉफिट देगा आपको कड़कनाथ मुर्गा। अगर मीट पर्पज़ के लिए चाहिए तो आपको, अगर अंडे के प्रोडक्शन के लिए चाहिए तो आप देसी मुर्गा पालें, क्योंकि देसी मुर्गा ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो।